राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालयों की छठी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु भूगोल की सहायक सामग्री के रूप में कार्यक्रम नील के किनारे। अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते। मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे। अरे बेटी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सूरीनाम जाना पड़ गया था। तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा। हो सकता है। हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी। अरे कादिर तुम, पिताजी नहीं आए? दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊंगा। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी। अच्छा अच्छा कादिर, मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो। ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो आओ। तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है? अब तो पूरा होने वाला है। कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं? मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर। इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे। अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। बेटा ये काहिरा का नया भाग है, जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है। अच्छा काहिरा नहीं अल काहिरा। हाँ। पापा पापा वो देखो नील नदी है ना। वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है। लीजिए वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा। अरे कादिर भाई एक प्याला चाय तो पीते जाओ। नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा अच्छा Thank you.
ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं। और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है। पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है। इस चोगे को गलाबिया कहते हैं। और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं। हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों? अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है। अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है? अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं। अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं? कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं। दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं। हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं। जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है? हाँ बिल्कुल वैसी। कमाल है मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं। वाह। और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं। मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी। ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है, और इसके बाद घर लौट जाएंगे। इतने जल्दी? अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या? हाँ, जाना है। फिर ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं। यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं? कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स। बाप रे, कितना विशाल है ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है। अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है? पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके। वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं। आओ। चलिए पापा। यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है? क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है। अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था? दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना। इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं। कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है जिसका मतलब है संरक्षित शरीर। मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे? उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहाँ आती। कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा। हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे। ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी? अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर
उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। ओ। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते। पापा पापा वो देखिए, एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है। बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो। किस लिए? ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा। अरे वो देखो वो उतरने भी लगा। पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है। अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा, शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम। पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं? अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ तो फिर चलिए। हाँ तो आओ, चलो आओ कादर, आओ। श्वेता, कहो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं? अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए। चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं। और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं? कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती है। अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते? अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है। फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है। पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए? ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा। शुक्रिया, मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का। अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए। इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा। क्यों? वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं। अंकल, वो औरतें सर पर क्या रखकर लेके जा रही हैं? अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं। अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ। जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे, मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी, पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहली पूछो। पूछिए। हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे? हर साल पानी चढ़ता है। हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है। और मिस्र में वर्षा होती नहीं? हाँ। अजीब सी बात है। हार गए? हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला। अच्छा, वो कैसे? देखिए, नील नदी में 2 नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है, पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है, साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है। मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी? जानते हैं,
प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता। कितनी बुरी बात है। सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना। अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है। गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं? हाँ भाई कादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने। इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं, मैं पूछकर बताऊंगा। अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना? वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं? इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा। वहां क्या है अंकल? 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है। इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है। आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर? हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते, लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवा कर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया। पापा मैं भी देखूंगी वो मंदिर। अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो। अंकल ले चलेंगे ना हमें? हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो। क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है? नील के किनारे। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख यशपाल सिंह, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार अभय भार्गव, मंगत राम और मालती कौशिक, संगीत मिस्री दूतावास के सौजन्य से, ध्वन्यांकन सतीश लाडे, प्रस्तुति सहयोग वंदना निगम तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।